डॉक्टर साक्षी। बोल, क्या काम है? रिकॉर्ड है, आज तक कोई भी पुलिस वाला हमारे क्लिनिक में नहीं आया। आज भी कोई पुलिस वाली तुम्हारी क्लिनिक में नहीं आई है, तुम्हारी बहन आई है। हम बस हमारे परिवार के बारे में जानने आए हैं। एक बार कहा समझ नहीं आया, मर गए सब। और अगर जिंदा होते तब भी हम नहीं मिलवाते। तो इसका मतलब तुम कुछ नहीं बताओगी? हमारे प्यारे मूर्ख मुकरी। जी मैडम। क्लिनिक की तलाशी लो। अभी क्या भी लेते हैं, पूरी पूरी तलाशी लेते हैं। तलाशी? अरे कैसन तलाशी? ऐसे कैसे तलाशी लीजिएगा? कौनो खेला है का? तलाशी वारंट है आपके पास? तलाशी वारंट दिखाइए हमको, तलाशी वारंट दिखाइए। काउ भी मजा आया है? और बताओ, और कुछ बाकी है, है? कि अभी और तुमको वारंट देखना है, देखना है। तुम्हें चाहिए वारंट? हमें नहीं, उसे चाहिए। तो मिल गया उसको। देखो, हम जानते हैं तुम हमसे बहुत नफरत करती हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हमें हमारे घर से दूर रखोगी। इसलिए झूठ बोलना बंद करो और सब कुछ सच सच बताओ हमें, ठीक है? तो फिर हम भी देखते हैं तुम हमारे और हमारे घर के बीच में कब तक दीवार बनोगी। हमारे प्यारे मूर्ख मुकरी। जी मैडम। लेट्स गो। जी मैडम। और तुमको भी चाहिए का वारंट? नहीं नहीं नहीं, बता देना। दर्द हो रहा है। यहां तक तो आ गई, लेकिन हम भी देखते हैं घर कैसे पहुंचती है। सैंडी। जी भाई। इंजेक्शन लगवा दे इसको। भाई हमारे क्लिनिक में तो घोड़े का इंजेक्शन रहता है ना? गधे पे भी चलता है। चलो फिर आओ, इंजेक्शन लगाएं। नहीं, आप आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा पीछा करने की? एकदम अपनी मां पर गई हो, शातिर और पत्नियत। थैंक गॉड दादी घर पर नहीं है। क्या कितना ड्रामा करोगी? ये भी अपनी मां से सीखा है क्या? क्या इस घर में अभी भी किसी बुजुर्ग का साया मौजूद है? कौन है वो? कौन से भ्रम में जी रही हो? बताओ ना, कौन है? कौन रहता है और यहां पे? दादाजी, दादी माँ, दुलारी बुआ, हमारे पापा। अरे ये कितनी बार कहे, मर गए सब, मर गए। तेरी खूनी माँ ने ना सबको मार डाला। बस मिस डॉक्टर, कितना बोलती हो बे? हाँ, बहुत सुन लिया अपनी माँ के बारे में। तुम्हारे कहने की कोई सीमा है या नहीं है, लेकिन हमारे सुनने की एक हद है। बहनों, इसलिए हम तुम्हें माफ कर रहे हैं। हाँ तो
एक शब्द और निकला तुम्हारे मुंह से तो भूल जाएंगे कि तुम हमारी बहन हो और हमारा तुमसे कोई रिश्ता है। इसलिए बेटर यही होगा कि तुम अपनी जुबान पर ताला लगा लो। और एक बात, इस घर पे, इस परिवार पे जितना हक तुम्हारा है ना, उतना हमारा भी है। क्या समझी? अब बताओगी इस घर में और कौन रहता है या फिर हम खुद से जाके ढूंढे? ये हमारा घर है, तुम्हारी जेल नहीं। सर्च वारंट लेकर आती ना तब भी अंदर घुसने नहीं देते। अरे हटो ना। क्या दम है तो हमें हटा कर दिखाओ। गम बांटने आए हैं, दम दिखाने नहीं। तुमसे हम कुछ नहीं बांटेंगे, ना कुछ देंगे। बहुत तेज चलती हो तुम। हवा से हुआ, हमें लगा दादी है। हाँ हो गया, मिल गई शांति, अब निकलो यहां से। क्या अब्बास, नौटंकी करना आता है तुमको? नौटंकी करके थकती नहीं हो ना तुम? बना ली रामायण, अब निकलो। तू वापस आ गई मेरी बिटिया। आई लो, हम ना अब बड़ा शिव जी के मंदिर गए थे, वहां से तुम्हारे लिए प्रसाद भी लाए हैं। पहले वो पुलिस यहाँ क्या कर रही है बताओगे? दादी, ध्यान से। पानी। दादी, 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 दूर रहो। दादी मत कहना, तुम्हारे मनहूस कदम पड़ते ही हमारी दादी बीमार हो गई। दादी अब, दादी अब ठीक है? रागिनी रागिनी नहीं, वो हमारी माँ का नाम है। हम अग्नि हैं, उनकी बेटी और आपकी पोती। हमारे अनुराग की बेटी। तुम तो एकदम मैं तुम्हारी अम्मा जैसी लगती हो। वही नैन, वही नक्श, बिल्कुल अपनी अम्मा जैसी। वही घटिया हरकतें। ये कहा बकवास कर रही हो? बहन है तुम्हारी। बहन और ये बहन शब्द से नफरत हो गई है हमें, गाली लगती है। हमारा बात सुनो साक्षी। तुम्हारा गुस्सा भी का अपना अम्मा जैसा ही है। नहीं, हमें गलत बातों पे गुस्सा आता है, लेकिन लेकिन उसकी तरह नहीं। आए वो तो गुस्सा करती रहती है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। वो कहना रागिनी का, हम जब गए थे तब हमको बताया गया था कि रागिनी ने एक मरी हुई बच्ची को। नहीं, वो हमारी माँ जिस जेल की कैदी थी ना, वहाँ की जेलर रक्षा माँ, उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है। पता दादी, हमें तो इस असलियत के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जैसी पता चला ना, हम भाग के आ गए आपके पास, आपसे मिलने। एकदम ही सही किया। अब हम ना तुमको कहीं नहीं जाने देंगे। तुम हमारे अनुराग की बिटिया हो, तुमको हम कहीं नहीं जाने देंगे। हमारे साथ रखेंगे यहाँ। हम ना
सब साथ में रहेंगे। बिखरा हुआ परिवार है ना, उसको हम समेट लेंगे, तुमको कहीं नहीं जाने देंगे। साक्षी, ये कहाँ है? इस सामान लेकर कहाँ जा रही हो? दादी, आज से पहले तक हम तुम्हारे लिए जी रहे थे और तुम भी हम पर जान छिड़कती थी। ये घर हमारी दुनिया थी और अब इस दुनिया में दुनियादारी भी आ गई है। ये भगवान की मूर्ति तुम्हारे लिए जितनी पवित्र है ना, उतनी ही हमारी माँ बाबा की तस्वीर हमारे लिए पवित्र है। और हम नहीं चाहते कि वो इस घर में अपनी खूनी की बेटी को देखकर मरने के बाद भी तकलीफ में हो। कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसे अपने गले से लगाकर अपने साथ रखिए और हम अपने माँ बाबा को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। कहाँ बकवास कर रही हो है तुम? कहाँ बचपना है? अरे कहाँ बचपना है? रुको साक्षी, अपनी गंदी जुबान से हमारा नाम लेने की जरूरत नहीं है। अरे हम आप दोनों को दूर थोड़ी ना करने आए हैं, हम तो बस आपका आशीर्वाद लेने आए थे। इस घर को तोड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अब हम चलते हैं। नहीं नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हें यहीं रहना होगा। हम बस इस घर से दूर जा रहे हैं, आपसे नहीं। आपके पास हम वापस आएंगे, इस घर में वापस आएंगे, अपनी बहन की मर्जी से। बहन, टेक केयर। हमार बात सुनो अग्नि बिटिया, हमार और साक्षी की ये मर्जी कभी नहीं होगी। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। इस मूर्ख मुकरी को हम एक घंटा पहले भेजे थे गांधी मैदान लिट्टी चोखा लाने, लेकिन भाई साहब अभी तक उसका कुछ आता पता नहीं। जरूर हलवा पूरी देख के ना कहीं लार टपका रहा होगा अपनी। मारेंगे जब आएगा तो। आज भी हमें ये सेब खा के अपना पेट भरना पड़ेगा। सो वॉट अग्नि, बचपन में पढ़ा था एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। मूर्ख, भारी रहना और सच सच एक बात बताओ हमें, तुमने हमारी मरने की सुपारी ली है ना गुंडों से जो इतनी ली? दादी दादी, आप आइए ना, आप आइए आइए, यहाँ बैठिए। आप यहाँ पे बैठिए, पहले आप बैठिए। हमारी पोती जो है वो भूखी रहेगी और दादी को पता भी नहीं चलेगा क्या है? जाओ जल्दी से रसोई में जाकर ना थाली और कटोरे ले आ जाओ। दादी, ये रसोई तो सिर्फ नाम की है, हम बाहर ही रहते हैं ना, तो चाय का बर्तन होगा और दो चार प्लेट कटोरी होगी बस। सॉरी, कोनो बात नहीं, जाओ अभी तुम कटोरी और प्लेट लेके आओ। है अभी लाते हैं। आई लो, खाना शुरू करो। हैं अब वैसे ही दरवाजा तुम जो खुला रखती हो, तुमको डर नहीं लगता है का? हम पोती तो आपकी है ना। ये बात एकदम सही कहे तुम, हम तो बुलाई गए कि तुम तो हमारी अफसर बिटिया हो पुलिस में जो है। तुमको पता है अभी तुम्हारे दादाजी होते ना तो इतना गर्व महसूस करते कि उनकी एक पोती जो है वो डॉक्टर है और दूसरी जो है वो अफसर है। कैसा लगा खाना? वंडरफुल। तुमको पता है तुम्हारे बाबूजी है ना,
उनको भी हमारे हाथ का जो है वो चना मसाला और दम आलू बहुत अच्छा लगता था। लेकिन कहा है कि तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद ना हमने ये सब बनाना जो है वो बंद कर दिया। लेकिन अब तुम आई हो ना तो हम तुम्हारे लिए बनाएंगे। एक बात बताऊं, चना मसाला और दम आलू हमारा भी फेवरेट है। है? मतलब हमारा पसंद हमारे पापा पे गया है ना दादी। ऐसा तो है। फिर तो आप पापा को अपने हाथ से भी खिलाती होंगी। हाँ, इसमें कौन सा बड़ा बात है, हम तुमको भी अपना हाथ से खिलाएंगे। आई लो पता नहीं का है रागिनी ने ना तुमको उस जेलर का गोद में डालकर हमसे इतना साल जो है दूर काहे रखा। हम कभी माफ नहीं करेंगे उसको। हमको ना तुम्हारा एक एक सांस का हिसाब चाहिए। हम जानना चाहते तुम्हारे बारे में हर वो बात जो हम नहीं जानते। हमको सब कुछ बताओ बेटा, हर वो। हाँ हाँ ठीक है दादी, सब बताएंगे आपको। और देखो आज हम आपके सामने बैठे। हमको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि रागिनी ने तुम्हारा पैदा होने का बाद जो हमसे काहे छुपाया। हम ना उसको कभी माफ नहीं करेंगे। हम तो उसका नाम भी अपने मुंह से नहीं लेना चाहते हैं। दादी क्या आप भी साक्षी की तरह हमारी माँ को गलत समझती हैं? साक्षी की जितना नफरत तो हमारे दिल में नहीं है रागिनी के लिए, लेकिन उसने जो किया है ना उसके लिए हम उसको कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमारे दिल में ना उसके लिए बहुत ज्यादा ही नफरत है और वो नफरत ना कभी कम नहीं होगा। उसका एक गलती की वजह से ना हमारा पूरा परिवार जो है वो बिखर गया। और वो गलती नहीं था, बहुत बड़ा गुनाह था और गुनाह का ना कोई माफी नहीं होता है। खैर छोड़ो ये सब बात ना, हम ना ये सब बात नहीं करना चाहते हैं तुमसे। इसमें कहा है तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम तो हमारे अनुराग का अंश हो, हमारे अनुराग की बेटी हो, तुम एकदम निर्दोष हो। तुम्हारा कोनो लेना देना नहीं इस सब बात से है। निर्दोष तो मेरी माँ भी है, बस आप सब लोग उन्हें समझ नहीं पाए। पर बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब आप लोग और गांव वाले हमारी माँ का नाम नफरत से नहीं इज्जत से लेंगे। दादी कहाँ चली गई, रात को कम से कम बता के तो जाना चाहिए था। देखिए ना मां, दादी उस अग्नि के प्यार में सब भूल गए, लेकिन हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि उसकी मां ने हमसे आप दोनों को छीना है। और अब वो अग्नि हमसे दादी को छीन रही है। ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। हम अपनी दादी का प्यार किसी से नहीं बांटेंगे, किसी से भी नहीं। रही हो अभी भी दादी? आप इतनी रात को कहां गई थी और ये डब्बा आपके हाथ में क्या कर रहा है? वो हम पड़ोस के सिन्हा साहब ना उनकी यहां गए थे। तुम सोई नहीं अभी तक है? खाना ना खाया? हम बना कर गए थे। खाया? बहुत थक गए हैं, आज सुबह से बहुत काम किए हैं, नींद भी बहुत आ रहा है हमको। हम सोने जा रहे हैं, तुम भी सो जाओ। सिन्हा जी और उनका परिवार तो परसों ही पटना चले गए थे। हम जानते हैं डब्बा कहाँ गया था, लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आज पहली बार आपने हमसे झूठ बोला। अब तो यकीन हो रहा है कि वो अग्नि हमारी दादी को छीनने आई है।